smart. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है यहिया, आप देख रहे हैं टेक्निकल क्रिएशन चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। गाइस, आपने सुना ही होगा कि हाउ टू डाउनलोड GTA 5, आज इसी टॉपिक के नाम पर मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करें। गाइस, तो मिलते हैं, तो शुरू करते हैं। आपको जेड आर्चीवर पे चले जाना है, एक एप्लीकेशन जेड आर्चीवर को चले जाना है। आपको दो एप्लीकेशन की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, CPU जेड और जेड आर्चीवर की। तो आपको ये चलाना है तो आपके पास CPU जेड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका GPU चेक करके बोला होगा आपको। तो जेड आर्चीवर को हमें सिंपली ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद जहाँ भी आपने उस फाइल को डाउनलोड किया है, दो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है GTA 5 नाम का, तो यही रही। तो आपको पहले यहाँ पर APK दिखाई दे रहा होगा, APK ये सिर्फ 22 MB का है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने APK इंस्टॉल कर लिया है। आप ध्यान देते हैं हमारी डेटा फाइल की तरफ, यही है वो फाइल, 808 MB की फाइल है। चलिए हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद इसे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर आ जाएगा rockcom.rockstar.mgtsa का, तो हमें इसे लॉन्ग प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना होगा। कॉपी कर लेने के बाद हमें अपने एंड्रॉयड फोल्डर में चले जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेटा का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, डेटा फोल्डर में चले जाना होगा। उसके बाद यहीं पे इसे पेस्ट कर देना होगा। ये है गाइस, तो मैं यहाँ पर इसे कर रहा हूँ। तो अगर आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड डाल देना होगा। आ रहा है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पासवर्ड रिक्वायर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड डाल देना होगा। बहुत सिंपली पासवर्ड है। अरे यार, ओपन होना अब पता नहीं गाइस, ये कीपैड भी ना हमेशा सताता ही रहता है। तो ये खुल चुका है, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना होगा। ध्यान से देखिए, GTA इज गुड, आपको मेरा नाम तो पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में बता रहा वही GTA इज गुड। यही डाल देने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है, वो अपने आप वो चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फिर से एक्सट्रैक्टिंग होना। जैसे कि यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो गया, तो चलिए इसे थोड़ी देर तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि तब तक ये हो जाए। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर ये हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप, ये हो गया है आपके आंखों के सामने। तो गाइस, इतना सब हो चुका है हमारा। तो आप ज़्यादा जल्दी मत करिए, गेम मत खेलना, और भी बाकी है वीडियो। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद फाइल्स के अंदर चले जाना होगा। उसके बाद आपको TXT का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। फिर GTA 3 पे क्लिक करना होगा। तो गाइस, आपको यहाँ पर से सारे देख लेना होगा क्या आप कौन सा वाला है। मेरा माली डिवाइस है गाइस, आप CPU जो है आप डाउनलोड करके वहाँ से आप अपना GPU देख लेना, मेरा माली डिवाइस है। इसलिए आप, अगर आपका माली डिवाइस है तो आपको लिख देना होगा ETC,
अगर आपका पावर वी आर है तो आपको लिख देना होगा पी वी आर, अगर आपका एंड्रेनो है तो आपको लिखना होगा डी एक्स टी। एक एक सिस्टम के है गाइस, मैं आप क्या कह सकता हूँ, मेरा माली है इसलिए हमने सारे कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम हमारा